कर रहे हैं सब्जेक्ट डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट यूनिट टू डिजाइन ऑफ सिंपल मशीन पार्ट, और आज का जो हमारा क्लास है वो है बेस्ड ऑन डिजाइन ऑफ सी क्लैंप, या जिसे हम लोग ऑफसेट क्लैंप लिंक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ऑफसेट लिंक से भी हम लोग जानते हैं। सी क्लैंप आप लोग अपने वर्कशॉप में भी देखे होंगे फर्स्ट ईयर के क्लास में, आप लोग उसको इससे जो है सो इसका यूज भी किए होंगे। ये आपका सी क्लैंप, ये सी क्लैंप, ठीक है। ये पार्ट इसमें फ्रेम कहलाता है, ये पार्ट जो है ये इसमें फ्रेम है, फ्रेम वाला पार्ट ये सी क्लैंप है हमारा। सी क्लैंप इसका नाम जो है वो बेस्ड अपॉन इट्स शेप, आपको ये सी शेप में दिख रहा है, हमें ये सी शेप में दिखने के कारण इसका नाम जो है वो सी क्लैंप है, सी क्लैंप इसका नाम है। ये पार्ट इसमें फ्रेम कहलाता है, ठीक है। और ये जो आपका दिख रहा है ये हैंडल है, ये हैंडल है फॉर टाइटनिंग पर्पस, टाइटनिंग के लिए हम लोग हैंडल यूज कर सकते हैं। ये कोलर कहलाता है, ये जो पार्ट नीचे में निकला हुआ हैंडल के बाद ये कोलर पार्ट है, ये पार्ट स्क्रू कहलाता है, ये स्क्रू कहलाता है, ठीक है। इसके बाद ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग फिक्स्ड जॉ कहते हैं, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता है इसीलिए इसको फिक्स्ड जॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। और नीचे वाला जो पार्ट है ये पार्ट इसको मूविंग जॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इसका जो सरफेस है दोनों का, फिक्स्ड जॉ और मूविंग जॉ दोनों का सरफेस जो है वो हमारा फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस है। और इसका यूज जो है वो वुडन या जो मेटलिक वर्कपीस रहता है उसको होल्ड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसको होल्ड करने के लिए, जैसे टेबल के साथ जो वर्किंग टेबल है उसके साथ अगर वर्कपीस को होल्ड करना है तो यहाँ पे रख करके जो है उसको हम लोग होल्ड कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये होल्डिंग के लिए और मेटेलिक और जो हमारा वुडन वर्कपीस है उसको होल्ड करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो आपको इसके पार्ट्स के बारे में पता चल गया, ये फ्रेम कहलाता है, ठीक है। और ये हो गया हमारा फिक्स्ड जॉ, ये हो गया मूविंग जॉ, ये स्क्रू कहलाता है, और ये हमारा हैंडल हो गया, और ये पार्ट जो है ये कॉलर कहलाता है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ इसका फिक्स्ड जॉ है, इसका जो एंड है सी क्लैंप का जो एंड है उसका एक तरफ जो है ये हमारा फ्लैट सरफेस है जो कि फिक्स्ड है, और एक तरफ इधर जो है वो हमारा थ्रेडिंग करके होल किया हुआ है जिसके थ्रू स्क्रू जो है जो टाइटनिंग पर्पज से हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं उस स्क्रू को जो है सो इसमें जगह मिलता है इस होल में, ठीक है। तो ये जो बेसिक पार्ट है सी क्लैंप का ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है सो इसको ऑफसेट लिंक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ऑफसेट लिंक जो जानते हैं क्योंकि देखिए ये फ्रेम यहाँ है और जो लोड अप्लाई हो रहा है वो इसेंट्रिक दूरी पे है, मेन जो बॉडी है फ्रेम सी क्लैंप का वो यहाँ पे है और ये इसेंट्रिक इतना दूरी पर जो है वो मतलब लोड यहाँ पे अगर बीच में अगर रखे हम लोग टाइटनिंग के लिए लोड यहाँ रखे और ये इसका फ्रेम है तो ये इसेंट्रिक ये मेन मेन बॉडी इसका ये है तो ये इसेंट्रिक दूरी जो है ये दूरी है यहाँ से जो लोड अप्लाई और जो मेन बॉडी है तो इसको हम लोग ऑफसेट के नाम से भी जानते हैं इसीलिए इसको ऑफसेट लिंक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। साथ साथ इसको हम लोग जी क्लैंप भी कहते हैं। अगर आप इस बॉडी को मेन जो बॉडी है ये जो ऊपर वाला मेन बॉडी है उस बॉडी के साथ अगर आप स्क्रू भी इसमें जोड़ दें स्क्रू भी अगर इसके साथ स्क्रू के साथ इसको देखें तो ये आपको जी शेप नजर आएगा, जी शेप नजर आएगा। स्क्रू के साथ ये जो है ये आपका सी क्लैंप या जो ऑफसेट लिंक है वो आपको जी शेप में नजर आएगा, जी शेप में नजर आएगा इसीलिए इसको जी क्लैंप के नाम से भी जानते हैं। तो ये सी क्लैंप हो गया शेप के कारण, जी क्लैंप हो गया स्क्रू के साथ अगर देखेंगे तो वो जी शेप में नजर आ रहा है तो जी क्लैंप भी इसको इसके इस जी क्लैंप के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। इतना यहाँ पे आपको जो है वो सी क्लैंप जो है हमारा उसका फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें जो हमारा फ्रेम है फ्रेम मेन लोड बेयरिंग
लोड बियरिंग जो है पार्ट है हमारा, उस फ्रेम का जो है यहाँ पे डायग्राम है। उस फ्रेम में जो उस फ्रेम का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग लिए हैं वो रेक्टेंगुलर शेप लिए, कभी कभी जो है सो स्क्वायर शेप, ये कभी कभी आपका सर्कुलर शेप में भी रहता है। तो इस रेक्टेंगुलर शेप का जो क्रॉस सेक्शन है उसका थिकनेस जो है वो हम लोग टी माने हैं और ब्रेथ जो है वो बी माने हैं, ब्रेथ बी माने हैं। जैसे कि ये जो है ये हमारा थिकनेस हो गया, यहाँ पे ये थिकनेस हो गया, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये हमारा ब्रेथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये जो है ये थिकनेस पार्ट हो गया, ठीक है। तो बी और टी जो है, बी वन और टी वन, बी और टी जो है सो थिकनेस और ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जब टाइटनिंग हो रहा है, जब हम लोग क्लैंप से टाइटनिंग कर रहे हैं, तो सपोज किए हैं कि जो लोड अप्लाई हो रहा है वो क्या है, डब्ल्यू। इसका भी लिमिट है, मैक्सिमम लोड कितना अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइटनिंग कितना मिल सकता है इससे। इसके बाद जो लोड अप्लीकेशन है और जो हमारा लोड बियरिंग एरिया या जो रजिस्टिंग एरिया है फ्रेम का, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग ई माने हैं, जो कि ऑफसेट डिस्टेंस है, जो कि लोड से बियरिंग एरिया का डिस्टेंस है, इसलिए ये ऑफसेट डिस्टेंस है, इसको ऑफसेट कहें, और उसको ई के नाम से हम लोग ई के नाम से इंडिकेट किए, ठीक है। तो ये लोड और एक्सिस ऑफ द लिंक का जो है, एक्सिस ऑफ द लिंक के बीच का जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। बी विड्थ ऑफ द लिंक हो गया और टी जो है वो थिकनेस ऑफ। अब हम लोग जिस मटेरियल से इसको बनाए हुए हैं उसका जो है तो मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो सिग्मा बी है, ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है सबसे पहले हम लोग जो इसमें फेल्योर देख रहे हैं तो डायरेक्ट स्ट्रेस के कारण फेल्योर होता है, जो ये डब्ल्यू लग रहा है डायरेक्ट स्ट्रेस के कारण जो है ये फेल होता है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस में जो रजिस्टिंग एरिया है वो यही हमारा जो रेक्टेंगुलर एरिया है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, वही उसी को हम लोग क्या माने हैं, उसी को हम लोग माने हैं रजिस्टिंग। जैसे कि ये हो गया टी, ये टी है और ये डब्ल्यू। तो अगर आप देखिएगा ये टी में ऐसे ये वाला से ऐसा करके जो है पूरा ये ऐसा हो रहा, ठीक है। तो ये रजिस्टिंग एरिया जो है यही यहाँ से रिप्रेजेंट ऐसे किया हुआ, ठीक है, ये वाला पॉइंट इतना वाला, ठीक है, इतना वाला पॉइंट बी इंटू, ठीक है, बी इंटू। तो ये रजिस्टिंग एरिया हो गया बी इंटू टी। अब एक इम्पेरिकल रिलेशन है, इम्पेरिकल रिलेशन के बारे में आप जानते हैं, इम्पेरिकल रिलेशन से हमको बी और टी के बीच में रिलेशन पता है कि बी जो है वो थ्री टाइम्स टी होना चाहिए, मतलब थिकनेस से थ्री टाइम्स होना चाहिए विड्थ उसका। तो इस एरिया में जो रजिस्टिंग एरिया में टी के जगह पे बी के जगह पे थ्री टी लिख देंगे जो रजिस्टिंग एरिया की वैल्यू है वो क्या होगी, ए इक्वल थ्री टी स्क्वायर। अब जो है सो जो हमारा स्ट्रेस है, जो डायरेक्ट स्ट्रेस है या नॉर्मल स्ट्रेस है, लोड बटा में एरिया, तो लोड जो डब्ल्यू लग रहा है और एरिया हमारा थ्री टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जिस मटेरियल से ये बना हुआ है और जो हमारा डब्ल्यू है जो लोड अप्लाई कर रहे हैं ये हमें नॉलेज में रहता है। तो यहाँ से जो थिकनेस हमारा सी क्लैंप का है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ में अगर टी का पता चल जाए तो फिर बी का भी पता हम लोग कर सकते हैं, बी इक्वल टू थ्री टी का। तो फ्रॉम इक्वेशन वन टी कैन बी मोर, और टी जब मिल जाएगा तो बी इक्वल टू थ्री टी करके हमको बी की वैल्यू निकाल। कंसीडर कर रहे हैं कि इसका जो फेल्योर हो रहा है वो बेंडिंग के कारण हो रहा है, तो लोड यहाँ अप्लाई हो रहा है और जो हमारा जो लिंक है वो यहाँ पे है। तो यहाँ से जो बेंडिंग मोमेंट इस लोड के कारण इस पॉइंट पे पड़ा वो कितने के इक्विवेलेंट है, डब्ल्यू गुने लोड गुने जो डिस्टेंस है, बेंडिंग मोमेंट हो गया। इसके अलावा
क्योंकि जो बेंडिंग इक्वेशन है सिग्मा बी बटा वाई एम बाई आई, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें हम लोग को आई बाई वाई यानी कि जो सेक्शन मॉडुलस है वो फाइंड आउट करना रहता है। सेक्शन मॉडुलस को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं टी वी स्क्वायर बाई सिक्स, आई बाई वाई इक्वल ये टी वी क्यू बाई ट्वेल्व बी बाई टू का यूज करके ये फाइनली आई बाई वाई कितना आएगा टी वी स्क्वायर बाई सिक्स सेक्शन मॉडुलस इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का। तो एक इम्पेरिकल रिलेशन अभी पढ़े हैं बी इक्वल टू थ्री टी, तो बी की जगह क्या लिख दिया थ्री टी लिख दिया, तो ये नाइन बाई सिक्स हो गया टी स्क्वायर यानी कि जो सेक्शन मॉडुलस है 1.5 टाइम्स टी स्क्वायर। अब जो हमारा मेन जो बेंडिंग इक्वेशन है सिग्मा वाई एम बाय आर, तो ये एम बाय जेड हो जाएगा, सिग्मा बी बराबर एम बाय जेड, आई बाय वाई यानी कि एम बाय जेड, एम बाय जेड, तो सिग्मा बी बराबर एम बाय जेड। तो एम बेंडिंग मोमेंट कितना है डब्ल्यू गुने ई, और जो सक्शन मॉडुलस है वो कितना आ गया 1.5 टी स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब क्या है कि यहाँ से भी हम थिकनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से हम बेंडिंग जो स्ट्रेस है परमिसेबल बेंडिंग स्ट्रेस उसको जो मटेरियल का है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डिजाइन ये कर रहे हैं कि जो डायरेक्ट लोड है और जो बेंडिंग लोड है दोनों को कंसीडर करके जो एक इफेक्टिव लोड आया उसके अगेंस्ट में जो थिकनेस है यानी कि दोनों को जो बियर कर सके, डायरेक्ट लोड को और बेंडिंग लोड को दोनों को जो बियर कर सके वैसा थिकनेस चाहिए अगर हमें सी क्लैंप का, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों स्ट्रेस को कंबाइंड कर देंगे, दोनों स्ट्रेस को क्या करेंगे कंबाइंड कर देंगे। तो जो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस था डब्ल्यू बाई टी स्क्वायर और जो बेंडिंग स्ट्रेस था डब्ल्यू ई जो अभी हम लोग फाइंड आउट किए हैं, दोनों को कंबाइंड करके इसमें से जो मैक्सिमम बियरिंग स्ट्रेस होगा इस मटेरियल का उसका यूज करेंगे, और जो मैक्सिमम लोड लगा सकते हैं जो लोड लगेगा और जो ये इसका जो लेंथ रहना है जो लेंथ रहना है वो डिसाइड करके फिर जो है तो यहाँ से हम लोग टी फाइंड आउट कर सकते हैं, टी फाइंड आउट कर सकते हैं, टी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज और डिपेंड करेगा कि क्या दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है कि मटेरियल नहीं दिया हुआ है, कि पहले डायमेंशन तैयार करना है। तो मैं आपको डिजाइन प्रोसेस में एक बात बताया हूँ, दो तरीके से आप डिजाइन को अप्रोच कीजिएगा, या तो एक आपका मटेरियल दे दिया उसके बाद आप उसको डायमेंशन आपको लगना है कि कितना कितना कौन डायमेंशन का रहेगा। दूसरा अप्रोच ये होता है कि आपको आपको जो है मटेरियल नहीं दिया हुआ है, तो मटेरियल नहीं दिया हुआ है तो आपको उस केस में जो है आप जो सेफ डायमेंशन है उसको डिजाइन करके फिर उसके अकॉर्डिंग जो मटेरियल का जरूरत होगा उसको आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये दो तरीके से है, तो जितना भी डिजाइन का इक्वेशन आता है उसमें दोनों तरीके से अगर देखिएगा, दोनों अप्रोच से पहुंचिएगा तो अलग अलग पैरामीटर को अलग अलग क्वांटिटी को फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, जहां डायमेंशन नहीं दिया हुआ वहां डायमेंशन को फाइंड आउट करेंगे, जहां डायमेंशन दिया हुआ है फाइनल है वहां से आप जो है सो स्ट्रेस वाला पार्ट को हम लोग कंसिडर करेंगे या स्ट्रेंथ वाला जो पार्ट है उसको फाइंड आउट करके मटेरियल डिसाइड करें। ठीक है, ये दो अप्रोच है, तो ये आपका जो है उसी प्लान का जो डिजाइन प्रोसेस है वो खत्म हो गया। ये फाइनल स्टेप में फिर से एक बार बता रहा हूँ, जो मैक्सिमम जो स्ट्रेस इस पर डेवलप होगा वो दोनों के कारण डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों के कारण होगा, उसको कंबाइंड ले लिए, कंबाइंड करके जो मैक्सिमम बियरिंग स्ट्रेस जो इस मटेरियल का होगा उसको रख करके और फिर यहाँ से हम लोग जो थिकनेस है वो हम डिसाइड कर सकते हैं।